पितिहोत्र स्थापी यज्ञ कुंडे सत्वरे ब्रह्मवेता होम कले पुत्रार्थरे व्यापित धूप माली ऊर्धे चपले वियतिर जलधर प्राय दिशिले बिजुली लक्ष्य बढ़वी रंग केतन बरही टेकियो नाई के कि नर्तन विथिर चित्त तृषार्ती जेते सारंग विथि विथि होई कले निकटे रंग वायु नाई तुंदु भी दियाउ हरसे विजनित स्थनित कि प्रते मानसे विवेक माधुरी भेरी दातियुह कंक वर्षा भूट मक जहि ऊंचा नादक वर्षा काल वर्णना उपेन्द्र भंजंकर बड़ प्रिय तुम जो टे भल सुजोग मिले वर्षार जेकोसी परिस्थिति रे जेकोसी घटना को वर्षा सह तुलना करी वर्षार विभिन्न स्तर सहित तो से वर्णना करी तांकर पाठक पाठिका मानंको आनंद दे थांती आमे एठी प्रति शब्दर अर्थ तो बुझेबार सुजोग नाही तथापि एठारे एही कथा कुहा जीवो जे ता पूर्वरु आमे कहिले या पूर्व अध्यायरु कहिचे शांतांकर ऋष्यशृंगंकर विवाह हला विवाह हला समाने बर कन्या भाया दिशिले सावित्री ब्रह्मा भाई दिशिले विवाह बहुत वर्णना में पूर्व अध्याय कहले ए अध्याय प्रभु श्री राम आवाहन वर्णना करती निपुण भाव कवि सम्राट उपेन्द्र भंज राम रामायण अन्य जगार राम जन्म है विभिन्न भाव कर राम वर्णना विवाह आविर्भाव पूर्वर यज्ञ कुंड जात हवा बेलू से राम वर्णना चल विष्णु किभली भाव आसुचंते तेणु ब्रह्मवेत्ता ऋषि यज्ञ आरंभिले पीतिहोत्र स्थापी यज्ञ कुंडे सत्वरे ब्रह्मवेत्ता होम कले ब्रह्मवेता जे ब्रह्म को जानी ऋष सिंह होम कले वीतिहोत्र अग्नि को स्थापन करी तेणु ताको स्थापन कला बेलू से अग्निकुंड प्रभु को से देशुंट कहीं से ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को अग्नि देखिबा अग्नि सब कथा प्राप्त हेबा ए प्राचीन भारतर एक विशेष कार्य थिला एई देशर ब्राह्मण ब्रह्मवेता यज्ञ करी साधारण यज्ञ नुहे यज्ञ करी ता भितर दे दउतले एभळि कि यज्ञ जानिथिबा इंद्रजीत परवर्ती काळले सेउठु रथ बाहर करथिला तेणु एई ब्रह्मवेता ये यज्ञ जतळे करुछंति प्रभुंकु देखुछंति ता भितरे एई वर्णनाटा रहुछि यज्ञ रे व्यापी तेणु से यज्ञ रे जहाँ देखुंत व्यापित हो धूम्र उधे कपड़े वियतिरे अर्थात आकाश रे शब्द गुड़ाक देखु धूआ भले जाइकिरी जलधर प्राय दिशिले से धूआ राशि सब हो गले बादल ये भाव जात हो बिजुली लक्ष बढ़ रंग केतन विरह टेकी अनाई केकी करतन तेणु जो सी बादल सब उठुची केकी मयूर देख नाचला तेणु ये जो चातक मान आसी पहुंची गले मयूर नाचिला इत्यादि इत्यादि सब वर्णना मिथिपति होई मिथिर थीर तृषार्ती जैन सारंग सारंग चक्र पक्षी सीतार सांग सांग गला चंद्र उदय होती से पहुंचुची वायु नाये दुंदुभी दिए हरसे यज्ञ होची वायु नाये बादक माने बजौंट बाजा किंतु तार आउ गोटे अर्थ रहा वायु नाये देवता माने जानुछंति प्रभु श्रीराम आविर्भाव कहुछंति आविर्भूत हेउछंति तेणु देवता माने दुंदुभी बजौंछंति तेणु से दुंदुभी से माने बजैले
वर्षा भू चमकी जहि उच्च नादरे तेणु चातक दात्युह चातक वर्षा भू बेंग ये सब से उच्च नाद कले समस्त जल वर्षा हो बोल उच्च नाद कले वर्षा भू चमके तहिर बड़ाका प्रकारे निश्चे विराजमान वंशे वंशे उड़ुछंती होई अति रंजन चिराल कहला पताका बाउंश धीरे जो चिराल सब उड़ुची तेणु से ये कौन ना बग भाया जमी उड़ी जाऊँच वर्षा काल मुझे आप कहली तेणु वर्षा काल अवस्था सृष्टि होगला तेणु से अवस्था बरशिव कृपा जल वर्षा भू चमक जहि उच्च नादके यही जाके आम पढ़ाई तेणु ये यज्ञ कले बादल आसब वर्षा हब वर्षा काल हब बोले जो जिनसटा अच्छी तार आगमन पर यज्ञर जो वर्णना दि जाए धूम उठी बादल भ्रम सृष्टि कला एवं चातक पक्षी मैंने चकुरु पक्षी मैंने बेंग मैंने एमाने सब स्वन कर लगे वर्षा काल परिस्थिति सृष्टि कले एटा लेखा जीवा से पुस्तक बड़ा का प्रकार निश्चय चिराल मान वंशे उड़ुछंती होई अति गंजन बरसिबे कृपा जल उदय हरी बनिकुंड नव अवलंबन करी वशिष्ठादि ऋष्य श्रृंग सेठारे थिले विहीन निमिष जैसे माने न मिले करुणालय करुणा कर बोइले विराज कम्बु चक्र गदाब्जे मंजुल विद्रुत कर मकर लक्षण मान बुढ़ान्ति महती जोगे नयन मान बोईतियाल जे दश रथ नृपती बांचिबारे कर तार रत्न प्राप्ति ओम कुंड भितरे प्रभु आत्म प्रकाश करुछंती ताकू ब्रह्मवेता ऋषि दर्शन करुछंती आउ कई देखि परना ओम कुंड रे प्रभु आसी गलेनी तेणु सेतिके बेले बड़ाका प्रकार निश्चय जो चिराल मानस पताका उड़ुची ताकू बाउंश ये वर्षा काल आसिकी वर्षा काल भाया उदित होती चिराल मैंने सब भौरी खेलिबे से भाव में बिजुली भौरी जल भौरी भाया वर्षा काल आसी जाए कौन वर्षा हब कृपा जल प्रभु कृपा जल बरसिबे कृपा जल उदय हरी बन्हींकुंड नभ जमती आकाश रे मेघ उदय हुए तापर जल बर्षण करे बन्हींकुंड रूपक नभ आकाश को अवलंबन करी प्रभु कृपा जल बर्षिबा को आसुछंती विहीन निमिष वशिष्ठादि ऋष्य शृंग सेठारे थिले ऋषि मैंने उदा होते तेणु ऋष्य शृंग जेम देखिले ऋषि मैंने भी देखिले समस्त ब्रह्मवेता विहीन निमिष जे से माने न मिले निर्निमेष टिके आखि पता पड़लानी विहीन निमिष न मिले समस्त नमस्कार कले वरुणालय करुणा कर बोले कहले हे प्रभु आप करुणा सागर वंदना करुछनी वरुणा सागर करुणा कर बोले कहले विराज प्रभु आपण विराजमान हुंतु विराज कमु गदाब्जे गदा पद्म धरिके आपण विराजमान करुंतु विद्रुत कर मर मकर लक्षण मान बुड़ान्ति महति जोग नयन मान आपणकर ठारे मकर लक्षण आपण करुणा सागर जेपरी मकर मत्स्य भासस्थान हुए आपण करुणा सागर तेणु सेठारे आम बुड़ दौचु बुड़ान्ति महति जोगे नयन मान किए बुड़ दौचि नेत्र बुड़ुची बोईतियाल जे दशरथ नृपति बोईतियाल शब्दा कौन बोईते मान नौरी नावरी नुह बोईतियाल शब्द लावण्यवत व्यवहार हो जाए बोईतियाल तेणु रत्नाकर साधुत तेणु बोईतियालटा है साधव तेणु रत्नाकर बोईतियाल मान ओनर से तार गोटे बोईतर ओनर से साधव तेणु से साधव जाऊ बोईतर गला बेल रत्न पाइला भाया से अंजुली देखेकरी बांचिबारे कर तार रत्न पापति तेणु कर धरिकी से रत्न प्राप्त हवाप समस्त ऋषि ये देखुंट
सी भी आकांक्षा देखु या परवर्ती को आम जीवा बड़ बानले पोलाओ राक्षस गण व्यत्र के थेरु नाही आन मार गण व्यकाश कुसुम हास मुखे धईले बोली अस्तु चारि चरु रूपे दिसिले व्यंजली करते कर से ऋष्य श्रृंग ब्रह्म रूपी परिवेश होइले बेग ब्राह्मण श्रेष्ठता राजा हस्तरे देले बांटी सर्वमहर्षिरे दिय बोइले बातमळ याद्री रुजे बहई घेन वंश कर्मे नाही जथा हेबा चंदन व्रत नोहि सत 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 चालीस बामा अछंति कौशल्या कैके भास कौन हला बन्ही कुंडरे ऋष्यशृंग प्रथमे नारायण को हरि को दर्शन कले तापरे वशिष्ठादि ऋषि दर्शन कले आउ किए दर्शन कला राजा चाहिला ये रत्न मते ठीक रत्न मिल जाते बोईतियाल भाया से हाथ पाती तेणु हाथ जो पाती बड़वा नले पकाओ राक्षस गण तेणु से मैने प्रभु को कहले बाड़वा नले पकाओ पड़ा शब्द नुह पकाओ ताकू नहींक्री बाड़व रूप अग्नि सगर निहारे जो भाई बाड़ब अनल पड़े समुद्र निहारे पकाए यही करुणा सगर में तुम्हें अनल रूपी क्या भगवान अनल बाहर तेणु कौ अनल आपण बाड़वा अनल समुद्र जो अग्नि लगे तेणु से अग्नि किए पड़ असुरगण पड़े तेणु प्रभु आपणकर बाड़वा असुरगण को पकाओ बोले मुनि मैंने प्रार्थना कर व्यत्र के आन मार्गण या पकाओ या छड़ा अन्न बाट ना व्याकोश कुसुम हास मुखे धोले व्याकोश माने कोश भितर थिबा पुष्प दर फुटिला पुष्प फुटिकी तेणु से भाया जो गोटा फुटी सारा पर जो हस है भगवान से हस हसी अस्तु बोली हाँ से हम तुम्हें जहा कौ से हम कहीकि चारि चरु रूप से चरु है से जगरे आम जो अन्नटा को बसऊ से जो अन्न घृतान्न से घृतान्न चारि भाग भाया दिशिला चारि रूप से प्रभु प्रकाश करते चारु तेणु से बोली अस्तु चारि चरु रूपे दिशिले व्यंजली करमते कर से ऋष्य शुंग ब्रह्म रूपी परवेश होइले चारु रूप से अन्न हो गला ऋष्य शुंग हाथ देखले तेणु से कौन है ब्रह्म रूपी किए आसुंच श्रीराम से किए हरि हरि किए ब्रह्म तेणु ब्रह्म रूपी आसुंच तेणु अंजुल देखले फेर ब्रह्म टी किए अन्न तेणु अन्न भितर एटा आमर चली जगन्नाथ स्वयं महाप्रसादी जगन्नाथ महाप्रसाद जी जगन्नाथ सी तेणु अन्न रे ब्रह्म जात होती से भावना नहीं उपेन्द्र भंज या यह भाव में वर्णना करजली ब्रह्म रूपी परवेश होगे ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋष्य शुंग राजा हाथ में देदेले तेणु ब्रह्म को चारि भाग कर राजा पाखे दे ब्राह्मण बांटी सर्व मईसी दि ताकू तुम्हें सब मईसी की बांट आउ बे साड़ को न बुझे आमर कथर है तीन शह सात शह पचास राणी बामा व्रत नोही सात शह सत चालीस तेणु तीन शह सात शह पचास रु सात शह सड़चाश आउ व्रत कले व्रत ना कमी चरु ग्रहण कर बिना व्रत मऊस खाई मस्ती करके जाए महाप्रसाद खाइब तेणु उपास कर पवित्र रही मैंने किसी व्रत कले सात शह सड़चाश ताकू कले ना केवल तीन जन पाई थे तीन जन पाया भितर दुई जन को देले एटा परवर्त के आसवा कौन तापर है शुणा विरक्ति नृपति दुई भाग ताकोले
बिहोले से दुही कर पानी रे देले विमल हृदया भासी कल अहे जा बेनी बेनी भाग देले संतोष राजा विश्व गर्भ से असने गर्भरे रही बरसे जे स्वाति जल भक्षण विहि बहई उदरे मोती सुक्ति जे मंत विघ्न नही एक कथा ही हेला ते मंत वैभाण्ड कांता घेनी शोभ निगत बासर कु बासर राणी आसक्त विधुत लतिका मेरु एथि उतारु विचित्र नहिला अशकत हे बारु 747 व्रत कले केवल तीन राणी पाट राणी एमाने व्रत कले किंतु रजा एते विहोल होइगला विहोड़ित होइगला से ताकु दिभाग करदला प्रथम काहीं विहोल होला बिगड़ी गला हाय गुड़ा कही व्रत करना गोटे मूर्ख गुड़ाक अरे मूर्ख तो आउ कौन कर से तेणु ताकु सोटू रागिक दिभाग कदा दी राणी जाए कहले कौशल्य आउ कह कही आज्ञा व्रत एम करना से बिगड़ी गला तेणु जो दीज ठिया होते देदेला तेणु एम सबू कहले नाई नाई रजा आपण जण को अहेजा करदे हेजिले ना जण को आपण मन हेज मान आम खाँटी ओडिया मन पकाओ हेज हेज जन पकड़े अहेजा हो गला तेणु ताकू कौन कले जी सुमित्रा सुमित्रा ना लेखा ही नहीं किंतु सुमित्रा पाई नथिले तेणु तृतीय से तेणु बेनी बेनी भाग कले ये कौन कले भाग कौशल्या भाग गोटे देले आई भाग गोटे देले दिज जाक तेणु रजा आपको देखिक बा विमल हृदय मैंने हृदय बड़ सरल तेणु खुशी हो गले तेणु से देलापर कौन है पुणी उपेन्द्र भंजकर शब्द देख किए गर्भरे रहिला अनलरे किए आसला हरि गर्भरे किए रहिला विश्व गर्भ से असने गर्भरे रही से असने जो खाइले असन कले गर्भरे रहिला विश्व गर्भ भगवान का नाम होची विश्वगर्भ तेणु विश्वगर्भ सारा विश्व को जी गर्भरे रखी से पुणी विधि विधान अनुसार निज विधान अनुसार से गर्भरे आसी रहीगला बा संसार जातना पाई संसार लोकंक दुख मोचन पाई हरि तुम्हें सबु कथा को भूली विस्मरी तुम्हें आसी गर्भ जंत्रणा सही कष्ट लाभ करी मनीषर कष्ट लाघव करिबा पई गर्भरे स्थान नेल एटा वर्णना होउछि तापरे विश्व गर्भ से असने गर्भरे रही बरस जे स्वाति जल भक्षण करी तेणु सुक्ति जे मुक्ता थिबा जे उ सुक्ता से स्वाति नक्षत्र पाइले ता गर्भरे जतबेले वर्षा जल पड़िब से मुक्ता हो जाव तेणु एथरे से माने बहु काल सठे रही जमती बहई उदरे मोती सुक्ति जमंते तेणु मोती बा मुक्ता जमती गर्भरे रहे से भली रहिले विघ्न नहि एक कथा ही हेला तेमंत तेणु गर्भ रूपक सामुका भितरे उचित समय रे स्वाति नक्षत्र पड़ा बेले उदय हैला ए जतबेले हेकि ऋष्यशृंग जे पुरोहित पुरर हित साधन करती पुरोहित तेणु से पुरोहित जतबेले देखिले जे प्रभु आसी जाउचंती तांकर कार्य जोथिपे तांकर कार्य थिला प्रभु को आणीबे बेस्यांक कार्य थिला तांकु ओणैबे सबु प्रभुंकर आगमन पई स्तर बाय स्तर स्टेप बाय स्टेप से आसुछ तेणु कहले मोर कार्य बर्तन समापन हेगला प्रभु आगमन कले एतिकी कर देई तांकर कर्तव्य संपादन करी से बर्तन तांको आश्रम को शांता सहित शांता कांतांकु धरी तांको यात्रा हेला तेणु कले करी सारा परे
ବିଧୃତ ବାସରକୁ ରାଣୀ ଆସକ୍ତ। ଗର୍ଭ ରହିକରି ରାଣୀ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଅସକତ ହେଲା। ତେଣୁ ବିଧୃତ ଲତିକା ମେରୁ, ତେଣୁ ଲତା ଧିଏରେ ଗୋଟାଏ ମେରୁ ପର୍ବତ ରହିକି ବହନ ଯଦି କରିବ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟାଏ ଯଦି ଉପମା ଦିଆଯାଏ, ଜଗତରକୁ ଯେ ଗର୍ଭରେ ରଖିଛି, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯା ଓଦରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯେ ଭାଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ କରିଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳମାଳ ହୋଇ ତୋଲମ କୂପେ ବିରାଜୟୀ, ସେଇ ମାଳମାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ମାଡ଼ରେ ଧରି ସିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ରୂପକ ବନିତା ରୂପକ ଲତିକା ଧିଏରେ ରହୁଛି, ସେ ମେରୁ ପର୍ବତ ବହନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏ ଉପମାନା ଯଥାର୍ଥ, ବିଚିତ୍ର ନହିଲା ଅସକତ ହେବାରୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲତିକା ଧିଏରେ ମେରୁ ଲଦି ହେଇଗଲା ମାନେ ଏ ଉପମାଟା କିଛି ବିଚିତ୍ର ନହୁଁ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ଯିବା। ବର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୋହଦ ରୂପ୍ୟରେ କିଣି ବଚ୍ଚୋଜ ଦନ୍ତ ସମ୍ପୁଟେ ରକ୍ଷଣ ମଣି, ବୃଦ୍ଧି ହେବା କଟି ପୃଥୁ ଅଧିକ ନୋହି, ବିଧି ପୂର୍ବେ ସିଂହ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାସିଛି ଯେହି, ବିକୀର୍ତ୍ତ ମଧୁର ସରେ ଉଦର ପଥ ବମନ ହେବା ଚିତ୍ର କି ଆନ ପଦାର୍ଥ, ବସନ୍ତ ମଧୁମାସରେ ନବମୀ ଖ୍ୟାତି, ବିପତ୍ତି ଧ୍ୱଜ ବହିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ବିତ୍ପତି ଏ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା, ବାସବତି ଗଦ୍ରି ତିନି ଶୃଙ୍ଗ ଶୋଭିତା, ବିଧୁ ଗୁରୁ ଭାର୍ଗବ ଅଙ୍ଗିରା ଉଦିତ, ବିନଶ୍ୟତି ଧାତ୍ରୀ ରାତ୍ରି ନିବିଡ଼ ଧ୍ୱନ୍ତ। ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଗର୍ଭ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସାଧାରଣ ନାରୀ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅସାଧାରଣ ନାରୀ, ତା ନହେଲେ ଏଭଳି ଅସାଧାରଣଙ୍କୁ ବହନ କରନ୍ତି କିପରି? କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନାରୀ, ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଭଗବାନ ତ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବିନି, ଭଗବାନ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଗରୁଡ଼ ଚଢ଼ି ଆସିବିନି, ଶଙ୍ଖ ଧରି ଆସିବିନି, ଚକ୍ର ଧରି ଆସିବିନି, ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରୂପରେ ମୁଁ ଆସିବି। ସେ ଯଦି ଅସାଧାରଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ସୁରୁଖନା କହିଦେଇଥିଲେ ସୀତା ରାବଣ ପାଖରୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ କାନ୍ଦ କରି ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ। ତେଣୁ ଗର୍ଭ ବେଦନା ତାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ହବ, ଗର୍ଭ ବେଦନା ପାଇ ଗର୍ଭରେ ରହିକି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ? ଗର୍ଭ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ବିକୀର୍ତ୍ତ ମଧୁ ରସରେ ଉଦର ପଥ ବମନ ହେଲା ଚିତ୍ର କି ଆନ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ମଧୁର ରସ ଖୁବ୍ ମିଠା ଖାଇଲେ କି ଯାହା ଖାଇଲେ କି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହବ ତ ବମନ ହେଇଯିବ, ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଟି ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ, ତେଣୁ ଉଲ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି କହିଲାଣି ଉଲ୍ଟି ହେଲାଣି, ତେଣୁ ବାନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ବାନ୍ତି ଯେଉଁ ହେଉଛି ବମନ, କାହିଁକି ନା ମଧୁର ରସ ସେଠି ରହିଲାଣି, ତେଣୁ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ବେଶୀ ମଧୁର ପ୍ରଭାବ ହେଲେ ବାନ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ସେ ମଧୁର ରସ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧରମ ମଧୁବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ମଥୁରାଧିପତେ ମଥୁରାପତି ମଧୁର, ତେଣୁ ମଧୁର ମଥୁରାପତି ପ୍ରଭୁ ଆସି ଗର୍ଭରେ ରହିଲାଠୁ ମଧୁର ରସ ପ୍ରଭାବରେ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ନାରାୟଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ ମଧୁ ମାସରେ ନବମୀ ଖ୍ୟାତି, ବିପତ୍ତି ଧ୍ୱଜ ବହିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ବିପତ୍ତି ଧ୍ୱଜ ମାନେ ବିପତି, ବି କହିଲେ ଚଢ଼େଇ, ଚଢ଼େଇର ପତି ହେଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ନାରାୟଣ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଆସିଲେ। ବସନ୍ତ ମଧୁ ମାସରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ନବମୀ ଖ୍ୟାତି, ଚୈତ୍ର ମାସ ନବମୀରେ ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ଏଠି ରହିଲେ। ହରି ବୋଲ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜୟ। କ'ଣ ତାପରେ ହେଲା ଶୁଣିବା। ପଧାଇ ଲଭିଲେ ନୃପେ ନାରୀ କହି, ବାର୍ତ୍ତା ବହି ରାଜ୍ୟାନ୍ତରେ ଗମିଲେ ତହି, ବାରତା କହି ସାମନ୍ତ ପାତ୍ରେ ତ୍ୱରିତ, ବେତ୍ରକେ କଟକ କୁଣ୍ଡଳରେ ମଣ୍ଡିତ, ବାଟ ହାଟ ଜୁର ତୁର ବାଜେ ଅସଂଖ୍ୟ, ବିଦୂଷକ କାତ୍ୟାୟନୀ ହୃଷ୍ଟ ଅଲେଖ, ବୃନ୍ଦ
ବୃନ୍ଦ ହୋଇତହି ଜନନୀ ମାନେ ବସୁଧାପତି ଦେଖିଲେ ସୁନୁ ସୁମନେ ବନଜାନା ଭପଦକୁ ସାର୍ଥକ ରହି ବିଳମ୍ବିତ ନାଡ଼ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ସୋହି ବିଚ୍ଛେଦନ କଲେ ନାଭି ହୃଦୟ ହୃଦେ ବିଗ୍ରହ ସୁବାସ ଯେଣୁ କସ୍ତୁରୀ ବନ୍ଦେ ଆମର ହବ ଉଦୟ ହୃଦେ ହୃଦେ ଏଇ ଭାବ ଉଦୟ ହେଲା କ'ଣ ଉଦୟ ହେଲା ନା ପ୍ରଭୁ ସେ ବଧାଇ ଲଭିଲେ ନୂପ ରାତ୍ରି ଚାଲିଗଲା ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଗଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଭା ହେଇକରି ରାତ୍ରି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦର ଉଭା ହେଲା ବିନଶ୍ୟତି ଧାତ୍ରୀ ରାତ୍ରି ନିବିଡ଼ ଧ୍ୱାନ୍ତ ବଧାଇ ଲଭିଲେ ନୂପ ନାରୀଏ କହି ଆମର ଏଠି ହିନ୍ଦୀକୁ ଅନୁକରଣ କରି ବଧାଇ ଶବ୍ଦଟା ବଳେ ଏତେ ଚାଲୁ ହେଲାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହିନ୍ଦୀରେ ବଧାଇଟା ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ବଧାଇ ହେଲା ସମ୍ପଦ ଦେବେ ତାଙ୍କର ବଧାଇ ହେଉଛି ନମସ୍କାର କରିବେ ତାଙ୍କ ବଧାଇ ହେଲା ପ୍ରଣାମୀ ଦେବେ ଆମର ବଧାଇ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ଘଣ୍ଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଇଛି ନିଅନ୍ତୁ ରାଜା ଡାକିକିରି ଅମାତ ସେଟା ବଧାଇ ବଧାଇଟା ହେଲା ସମ୍ପଦ ଆଉ ବଧାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବଧାଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚଳେଇ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସେ ବେଳର ଓଡ଼ିଆ ବେଳର ବଧାଇ ତେଣୁ ବଧାଇ ଦେଲେ କାହାକୁ ବଧାଇ ଲଭିଲେ ନୃପେ ନାରୀଏ କହି ନାରୀମାନେ ଆସିକି ମଣିମା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଇଛି କହିକି ରଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି କାଢ଼ିକି ବଧାଇ ଦେଇଦେଲେ ତା ହାର କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଲେ ବାର୍ତ୍ତା ବହେ ରାଜ୍ୟାନ୍ତର ଗମିଲେ ଯାଇ ବାର୍ତ୍ତା ବହ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ କାରଣ ସେ ତ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟ ଏଇ ମଣିମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ବାଜା ବାଜିକି ଚାଲିଲା ସେଠି ବାରତା କହି ସାମନ୍ତ ପାତ୍ର ତୁରିତ ସାମନ୍ତ ପାତ୍ର ସମସ୍ତେ ତୁରିତ କହିଲେ ବେତ୍ରକେ ବେତ୍ରଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରୀ ସେମାନେ ବୁଲିଲେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆସିଲେ କଟକ କୁଣ୍ଡଳେ ମଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ବଳୟ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଳା ଦିଆଗଲା କୁଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ କହିଲା ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଣ୍ଡଳ ଦେଇଦେଲେ ବା ସେମାନେ ଗଲାବେଳକୁ ରୁହ ଏତେ କଥା କହିବ ନିଅ ବଳୟ ନିଅ ହାତରେ ବଳା ନେଇକି ଯାଅ କୁହ ପ୍ରଭୁ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବାଟ ହାଟ ଦୂର କରି ବାଜେ ଅସଂଖ୍ୟ ତେଣୁ ଇତି ଲୋକ ଆସିଲେ ଯେ ବାଟ ହାଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଜିନିଷପତ୍ର ସେ ସବୁ ଜୁର ହେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ କୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଲୋକ ପଶିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ବିଦୂଷକ କାତ୍ୟାୟନୀ ହୃଷ୍ଟ ଲୋକ ବିଦୂଷକ ତ ହୃଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଥାନ୍ତି ରଜାର କାତ୍ୟାୟନୀ କାତ୍ୟାୟନୀ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଆରେ ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ଦେଖିବାରେ ଆରେ ଦଶରଥଙ୍କର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ହେଇଛି ଦେଖ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ହେଇଛି ପୁଅ ଚାଲେ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ହୋଇତ ହିଁ ଜନନୀ ମାନେ ବସୁଧା ପତି ଦେଖିଲେ ସୁନୁ ସୁମନେ ସୁନୁ କହିଲେ ପୁଅ ସୁନୁ ସୁମନ ପୁତ୍ର ରୂପୀ ସୁମନ ଯୋଉ ଫୁଟିଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବୃନ୍ଦବୃନ୍ଦ ନାରୀମାନେ ଆସିଲେ ବନଜ ନାଭ ପଦକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କରାଇ ବିଳମ୍ବିତ ନାଭ ନାଡ଼ ନାଭି ମଣ୍ଡଳେ ସୋହି ଏଇଟା ବୁଝେଇବା ଦରକାର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଭି ନାଡ଼ ଲାଗିଛି ସେଟା ଛେଦନ ହବ ନାଭି କଟା ବେଳେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବନଜ ନାଭ ଆପଣଙ୍କ ନାଭିରେ ପଦ୍ମ ଅଛି ସେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମା ରସିଛି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାଭି କଟା ବେଳେ ନାଭି ଉଦୟ ହେଲା ବେଳେ ନାହି ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଦିଶୁଛି ବନଜ ନାଭ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କ ନାଭିରେ ପୁରା ନାଳ ହେଇକି ସେ ବହୁଛନ୍ତି ବିଚ୍ଛେଦନ କଲେ ନାଭି ଉଦୟ ହୃଦେ ବିଗ୍ରହ ସୁବାସ ଜଣୁ କସ୍ତୁରୀ ବନ୍ଦେ ତେଣୁ ଆସିକି ସେ ନାଡ଼ିଟାକୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଖୁବ ଜୋରରେ ଛେଦନ କଲେ କାହିଁକି ମନେ ହେଲା କାରଣ ଏତେ ସୁବାସ ସେ ନାଡ଼ିରୁ ବାହାରୁଛି ସେ ଲାହିରୁ ଭାବିଲେ ଇଏ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ତେଣୁ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ତାର ଇଏଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି କାଟିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଏଇଭଳି ସୁବାସିତ ବିଲକ୍ଷିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜଗତପତିଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବର ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନେ ଶୁଣୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା ବ୍ୟକତ ସୁତିକା ଗୃହ କାରୁଣ୍ୟମୟ
विस्तीर्ण अनंत शोभा सजा निश्चय बिची चंद्रा तप कुंचा बास विवेकी सुवाई सदा निद्रा चितोई ब्रीही आदि पंच बीज पंचुआती जे ज्ञान सह पंच वायु तोषक से जे बनजिनी लक्ष्य नारी षष्ठी घर को बराटके मंडी कले मनोहर को विजोग निद्रे काम मधुरे बाद विरचिए पांच उठी हारी संपद विंशक दिने दोली शयन करी बटपत्र फुटे बाल मुकुंद पारी। साधारण भाव रे नाभि छेदन हो गला पंचुआती हब षष्ठी हब तेणु षष्ठी आंचुआती बन कर पंचुआती रे जो बिरी ब्रीही ब्रीही बिरी फिरी सब इत्यादि चाउल देकर जो पंचुआत कले सब छिंचिले से हूँ पंच प्राण को तोषण करपान वायु व्यायन वायु उदान वायु तेणु ये सब प्रकार पांच प्रकार जो आम प्राण को से प्राण को तोषण करोषण कला षष्ठी घर कौन है पद्मिनी स्त्री बनजिनी लक्ष नारी षष्ठी घर को से जो घर को नारी मैंने पशे केवल षष्ठी घर को आसबे तेणु से नारी मैंने किए ना पद्मिनी नारी बनजिनी पद्मिनी पद्मशोभिनी सर्वोत्कृष्ट नारी लक्षण काम शास्त्र रे सर्वोत्कृष्ट काम शास्त्र तो वर्णना करती भल सर्वोत्कृष्ट नारी सहजे से मिलती ना खूब विरल तेणु तक देह पद्म शुभा सब आसे तेणु से ही पद्मिनी पद्म लक्ष्मी तेणु से भाया नारी मैने आसी सेठे पहुँचिले तेणु नारी षष्ठी बराटके मंडिले मनोहर को तेणु सब नाना भाव से आसी आमर षष्ठी घर को मंडन कले एवं विजोग निद्रे काम मधुरे बादे आहरी गोटा उपमा आसिक पहुँचीगला विरचिए पांच उठी आरी संपद विजोग निद्रे काम मधुरे बाद प्रभु सोई प्रभु सोइले राम लक्ष्मण सोई भरत शत्रुघ्न तो तांकर विभिन्न विष्णु अन्य अंश से जात होती जो राम सोई लक्ष्मण भी सोई तेणु काम मधुरे बाद मधु सहित बाद कले विष्णु विष्णु निद्रे शोले निदर उठिकी कान मूल जो मल थिला ता देह मधु दैत्य जात होता ताकू माइले आठ शिव शिव कौन करना कामदेव को पड़ी तेणु यही लक्ष्यटा आसुची ता भितर विष्णु सोई लक्षण सोई मधुहारी काम अरी ये से विजय करती पांच उठी आरी संपद विंश एक दिन दोली शयन करी दोली शयन करु दोलारे झुलाउंट दोलाटा को उपेन्द्र भंज वर्णना करा हूँ बटपुट बटपत्र प्रभु एड़ी की टी छोटिया टिक छोटिया होती बटर पुत्र जी शयन करल मुकुंद मार्कंड ऋषि भासी जाऊे मार्कंड ऋषि भासी गला बेले मार्कंड बिल डाकिले डाकिश्वास मार्कंड भासिक चली आसला देखले गोटे बटपत्र पड़ी बरपत्र देने प्रभु भाषुंत कौन करुंतर पादर बुढ़ा आंगुड़ को चुचुमिक झुलुंत से अच्छा मार्कंड देखीदे तेणु से भाई प्रभु श्रीराम जतेबेले दोलारे झुलुचंती बाल मुकुंद शोभा पाउचंती बोली उपेन्द्र भंज वर्णना करुचंती परवर्ती काल को जीवा बढ़ान्ते जे दशरथ चालने कर बाहु उर्धे मार्कंडेय थिबा प्रकार ब्रह्म ऋषि नाम बिहि श्री राम राम बोले चंद्र भद्र हेउ पछे रम्य
बंशे रघुराघव एसे नाथ भणी बोलाइबे रावणारी राजेन्द्र पुणी बक्ता दशरथ राजा जेणु स्वभावे बहंतु ए दासरथी नाम को एबे बिहिले भरत नाम कैके सुते बोइले सदा वंचित एसु भरते बेनी सुत सुमित्रार देखी हरस विचक्षण लक्षण मान के प्रकाश पंचुआती देखिले षष्ठी घर देखिले बर्तमान आसीगला दोल उत्सव देखिले दोल रे बटपुटरे मार्कंडेय भासु पुणी कौन ना बढ़ाते जो दशरथ राचालने कर बाहु ऊर्धे मार्कंडेय थिबा प्रकारे से दोली रे सोइचंत हाथ को एमती टेकिले हाथ को टेकिला ठू अरे मार्कंड भलिया देखुंत कि मार्कंडेय ऋषि डाकुची मुझी अच्छा ना बाहु ऊर्ध दशरथ मार्कंड भलिया दिसिले बाळमुकुंद झुलुचंत ये दशरथ तांकु नवापाई एमती हाथ टेकिले हाथ उठा दशरथ दिसिले मार्कंडेय ऋषि अच्छा मार्कंडेय प्रकार ब्रह्म ऋषि नाम बही श्रीराम राम या परे आसिला नामकरण उत्सव नामकरण कौन हम तेणु विभिन्न नाम तांकर रहिला ब्रह्म ऋषि कहिले वशिष्ठ वशिष्ठ एकमात्र ब्रह्म ऋषि तापरे विश्वामित्र ऋषि हेले ब्रह्म ऋषि हेले तबे तांको पाखरे थिला तो सेतबेळे जे ऋषि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ तेणु वशिष्ठ कौन कले विहि तांको नाम देले श्रीराम अनंत काल चारि युगरे रहिथिबा जो चिरंतन राम नाम ताकु देले एवं काहिकि देले से राम होउछि राम सुंदर आउ राम छोड़ा अभिराम राम मूर्ति विष्णुम मारणे अभिराम राम मूर्ति वैकुंठ संपत्ति को ये संपत्ति विपत्ति आगुरु मु कहिथिलि बहुत परे रावण तार स्वरूप प्रकाश एटा कहिबो तापरे कोन हला बोइले चंद्र उदय होउछि ए पछे रम्य तेणु ये चंद्र भलिया उदित होउछंती धीरे धीरे बढ़िबे तेणु ये रामचंद्र आउ कोन में वंशे रघु राघव रघुवंशरे जात तेणु राघव बोलाइब रावणारी राजेन्द्र पुणे राजेन्द्र सत्यसंध रामंकर वर्णना अछि ये राजेन्द्र ये राजा मानकर इंद्र एटी गोटे कथा रखे नत्वा नत्वा रामचंद्र जाचते रामचंद्र ऋषि मानंकु नई नई कहउछंती जे रजा रजा किए रजा होची जे रंजनकारी रामचंद्र बेलु हि राजा शब्द उपजी तेणु राम राज्य खाली कहीदेले स्लोगान रे हबा नै प्रजा रंजन रु राजा तेणु ये राजा प्रजा रंजनकारी मानंकर जे इंद्र हब तार जीवन स्रोत रे जीवन प्रवाह रे से तेणु आंक ना हो राजेन्द्र बोलाइबे रावणारी रावण को मारिबे ये तांकर तो जन्म हला रावण को मारिया पई ना तेणु आंकु बोलंतु रावणारी तेणु रावणारी वंश रघु राघव एनाथ पणी रघुवंश रे राघव बप्ता दशरथ राजा जेणु स्वभावे बहंतु ए दासरथी नाम दशरथ जतबेळे तांका बापा बप्ता तेणु से दासरथी हेबे तेणु से नाठी मध्य बहन कले पुणी कहिले बहंतु ए दशरथ दासरथी नाम कुहेबे बिहिले भरत नाम कैकेयसुत कैकेयसुतंग ना भरत हला कौन ना सुभरत तेणु शुभरत से हेबे बिहिले भरत नाम बोइले सदा बंचिबो ए शुभ रथे कैकेयंकर सुत भरत हेबो एवं ए हब कौन ना शुभ कार्यरे रत हब बेनी सुत सुमित्रार देखि हरस विचक्षण लक्षण मानंक प्रकाश दुई जन जाक चरु बांटिकरी देइथिले तेणु तांकर दुई पुत्र हेले जणे हेले भरत जणे हेले लक्षण जणे हेले शत्रुघ्न परवर्ती कालरे भरत कर अनुचर हेले शत्रुघ्न दुई जन जाक एकाठी मिसिकरी गले मामू घर को आउ ये लक्षण से जेहेतु विष्णु शिव स्वरूप कौशलांग भागरे आसछंती तेणु से लक्षण
सदा रामचंद्र अनुगामी ठारे उत्तम लक्षण मान प्रकाश होता लक्षण परवर्ती जीवा बहु लक्ष्मण नाम को अग्रज सुत बोलिबार कुमार चित बड़ शक्तिमंत नगणीब आन रे बुद्धि हेब मेघनाद तो सदान रे विशिष्ट जेणु शत्रुघ्न हेब सहजे विदित जेणु शत्रुघ्न नाम अनुजे विधान सुमित्रा सुत दुहे सौमित्री बोलंतु बोली विगत तहु से जति बढ़ी सुते दिनु दिनु प्रभा उदय बलक्ष पक्ष रे कोला कर पराए बाड़ धरी उभा शोभा के बा कहिब बाड़ कवि जही जड़ होई रहिब आहुरी तांकर नामकरण नामर सार्थकता नामर विश्लेषण दिया जाउछि राम लक्षण भरत शत्रुघ्न तेणु ये चारि भाग चरु चारिरु चारि प्रकार ब्रह्मंकर उत्तित होइछि समस्तंक व्यक्तित्व रे समस्तंक शरीर रे ब्रह्मत्व प्रकाश होइछि शत्रुघ्न गोटे नाम ओं शत्रुघ्नाय नमः बोले मंत्र अछि प्रभु रामंकर रामंकर जे आमर शत्रु नाश करिबा पई शत्रुघ्नाय नमः तेणु से शत्रुघ्न कहला राम को मध्य बुझौछ रामंकर द्वितीय भाव द्वितीय प्रकाश भाव व्यक्तित्वर अन्य प्रकाश भाव से है शत्रुघ्न तेणु अन्य लक्षण तेणु सुभरत सुभरत भरत शुभ रत थिवारु से भरत तेणु वृद्धि हे मेघनाद तोष दान तेणु धीरे धीरे सेमानंकर वशिष्ठ जेणु शत्रुघ्न एवं सहज शत्रु को नाश करने से सहजरे नाश कर विदित जेणु शत्रुघ्न नाम अनुजे विधान सुमित्रा सुता तेणु सौमित्री सीता सौमित्री तेणु सौमित्री नामटा दासरथी कौशल्य कैकेय तेणु ये जो गोटे मातृनाम अनुसार हुए पितृनाम अनुसार या कहले सुमित्रेय विधान सुमित्रा सुता तेणु ये हेले सौमित्री बोलंतु बोलंतु बोली विगत हेले से जति ब्रह्मर्षि नाम देले नाम दे विगत हेले विदाय घेनिले बढ़ी सुते दिनु दिन प्रभा उदय बलक्ष पक्षरे कला कर पराए शुक्ल पक्षरे चंद्र उदय भली दिनकु दिन तांकर विकास भली प्रभु श्री रामचंद्र उदय हेले बाड़ धरी उभा शोभा के बा कहिब बड़ कवि जही सेठी जड़ होइब जेड़े बड़ कवि जड़ होइब अरे किए हरि कथा कहिब किए प्रभुर वंदना देव कारे ते हिम्मत अच्छी प्रभु को कहिब तेणु बड़ कवि जड़ हो वर्णना करिवारे कविर लेखनी बंद हो भारती माँ तो आशीर्वाद कर तोर प्रभुर वंदना मु करी कही कवि मैंने लिखिंट ओंकार करी प्रभु श्रीराम वर्णना कई करना आपण यू देखु सीता वर्णना होता सांगे आम मैंने तुलना करवा सीता बाड़ धरी जितेबाद खेलुंच कवि वंदना करपटे सीता बाड़ धरी खेलुंच ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଗତ ଜିତ ସମସ୍ତେ ଚକିତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ସେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାଶମାନେ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ସେ କ'ଣ କଲେ ବାଡ଼ ବଡ଼ କବି ଯହିଁ ଜଡ଼ ହୋଇ ରହିବ ବଡ଼ କବି ବାଡ଼ କବି ହେଇଛି ବଡ଼ କବି ଯହିଁ ହୋଇ ରହିବ ତେଣୁ ବଡ଼ କବି ଜଡ଼ ହୋଇଯିବ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ଯିବା ବିହାର ରଚିଲେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଚତୋରେ ବ୍ୟଗ୍ରଗତି ଶିଶୁ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ସତୋରେ ବାଲ୍ୟ ଜଗତି ରଚନା
नुहे विश्वर बालुकारे सर्जना जे सही प्रकार व्रत विधान समय तही होइला बद्रिकारे नर नारायण जे लीला बरही सत्व सृष्टि रे श्रीखंड धरे बाहरिले नगर भ्रमण इच्छारे बालक किशोर भाव कु प्रकाश तही बाह्यग्रीव होइथिले पूर्वरे जेहि वृषधनुजुक्त रामचंद्र सहजे बंदारु जे श्रुति रूपे विद्याधर जे पंचुआती सैला सठियारी सैला बुलिले वर्तमान पाड़ धरी बुलिले छोटिया छोटिया कुंथई कुंथई धीरे धीरे बाड़ धरिकी चलुचंती कौन हला बाल्य जगती रचना नोहे विश्वर विहार रचिले क्रमे क्रमे चतुरे चतुरे अंगनरे अगणारे विहार रचले नगर पाखरे जो अगणा थिला सेठी बुलिले सत्वरे खूब ताक जाउचंती बालुकारे सर्जना छोट छुआ बालीरे घर करंती तेणु बालीरे जो कले बालुकारे सर्जना जे सही प्रकार बाल्य जगती नोहे विस्तार बालुकारे सर्जन रचे जे सही प्रकार सृष्टि को जी सर्जना करे सी बाली रे गोटाए खेल घर रचना करुच्ची बाली भलिया से सृष्टि को तैयारी कर दिए बाल्य जगती नोहे बाल्य जगती रचना नोहे विस्तार बालुकारे सर्जनी से सही प्रकार हौटू व्रत हेबे आजिकाली केवल ब्राह्मण माने व्रत होचंती एटा ठीक नु क्षत्रिय मानंकर व्रत अछि वैश्य मानंकर व्रत अछि चतुर्वर्ण भितरु तीनि वर्णंकर पैता अछि उपवित तणु तांकर सही व्रत हेला तणु व्रत विधान समय तोही हेला बद्रिकारे नर नारायण खेल कले बद्रिकारे नर नारायण जेभली खेला करुचंती सेभली राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देखी जोड़ा जोड़ा होकर जोबले व्रत हो कवि उपेन्द्र भंज मानस चक्षुरे देखी पार्टी कविर मानस चक्षुरे देखा जाऊँगी प्रभु सही बाल भानु प्रभु सही विश्वगर्भ प्रभु सही नर नारायण मानस चक्षुरे भक्त उपेन्द्र भंज राम तारक सिद्ध उपेन्द्र भंज भाग्य बल से प्राप्त राम तारक आदि कही बड़ाई चित्त अब अनवरत अनवरत चित्तरे राम को साधना करी उपेन्द्र भंज राम तारकारे रामचंद्र जन्मर प्रत्येक स्तर रे से भगवान विष्णु विभिन्न रूप मन पकाउचंती जय श्री राम जय श्री राम जय जगन्नाथ।